लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कितने दिन हुए हैं किरण को घर से लापता हुए, पता नहीं वो कहाँ है, किस हालत में है, और एक तुम हो कि तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। नीलू, जो तुम पर बीत रही है वही मुझ पर भी बीत रही है। क्या करूं, हर कोशिश तो कर चुका हूं, पुलिस में इत्तला कर दी है, अखबारों में खबर छपा दी है, अब मैं क्या करूं, उसको कहां ढूंढने जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसे कुछ हो गया तो। नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो अपनी हिफाजत करना खूब जानती है। मुझे तो पूरा यकीन है अगर उसे मौका मिला वो उनके चंगुल से भाग निकलेगी। हाय, क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ मैम साहब, आपके लिए। गुड गुड। राजा, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना आता है? हाँ, क्यों? तुम वो वाले पेड़ पर चढ़ सकते हो? तुम मेरे लिए वो वाला पत्ता ला सकते हो? वो वाला? हाँ। तो ला दो। दो मिनट में। थैंक्स। थैंक्स। चढ़ जा बंदर पेड़ पे। पागलपन मत करो, गाड़ी बंद करो। तुमने क्या सोचा था? तुमने मुझे सुधार दिया है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। राजा बाबू, मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ और अब तो पहले से भी ज्यादा नफरत करती हूँ। सो गुड बाय, नमस्ते, खुदा हाफिज, चलो। किरण, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, और जल्दी किरण बात सुनो। I'm sorry, Raja.
चले मैम साहब, कहाँ? वापस। वापस? थोड़े दिन और नहीं रुक सकते? नहीं किरण, अब चलना चाहिए, वहाँ सब चिंता कर रहे होंगे। पर तुमने तो कहा था जब वो फल नीचे गिरेगा हम तब वापस जाएंगे। किरण वो सब तो, बोलो बोलो वो सब तो, वो तो किरण क्या अब तो चलना ही पड़ेगा। किरण ये क्या किया तुमने? बदतमीजी की मैंने। अरे मैं तो अभी तक नहीं सुधरी। अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मैं थूकूंगी भी नहीं। देखो राजा, मैंने फिर से बदतमीजी की। बाबा, अपना राजा आ रहा है। राजा? हाँ, अपना राजा। वो देखो, वो आ रहा है। आओ राजा, आओ। आप लोगों की जो बस्ती मैंने अपने हाथों से तोड़ी थी, अब मैं इसे अपने हाथों से बनाना चाहती हूँ। अरे पर तुमने कहाँ तोड़ी बिटिया, वो तो तोड़ने वाली कोई और ही लड़की थी, और तुम्हारी जैसी लड़की तो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। क्यों राजा बेटे? क्या पता बाबा। क्यों, तुम्हें तो पता होना चाहिए राजा, तुम तो उस किरण को भी जानते थे और इस किरण को भी जानते हो। अरे अंदर तो आ बिटिया, अंदर आ। नहीं बाबा, अब मुझे देर हो रही है, घर पहुँचना है, सब परेशान होंगे। राजा तुम मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? जाओ राजा बेटा। अच्छा बाबा। बिटिया रानी को घर से छोड़ा। खुदा हाफिज राजा। और सुनो आना बहन, जल्दी आना राजा। खुदा हाफिज। सफर खत्म हो गया मैम साहब। सफर तो अब शुरू हुआ है राजा। ये सब जानने के बाद भी कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, मेरी असलियत क्या है? हाँ, ये जानने के बाद भी कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारी असलियत क्या है, अब तो मेरे लिए यही काफी है राजा, कि तुम मेरे हो, मेरे दिल में रहते हो और मैं ही तुम्हारी असलियत हूँ। तुम जानती हो किरण कि मैं तुमसे पहले दिन से ही मोहब्बत करता हूँ। और मैं इस दिन से पहले तुमसे बहुत नफरत करती थी राजा। पर अब तुम्हारे बिना जीना मेरे बस में नहीं है। और तुम्हें पाना मेरे लिए एक सपना है। किरण, किरण मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब कुछ मत कहना राजा, मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ, तुम्हारी आंखों ने बहुत बार कहा है नमस्ते, खुदा हाफिज, गुड बाय। Beep!
किरण। हाय। कैसी है तू? बस देख लो मॉम, वजन 4 किलो बढ़ गया होगा, पर 100 ग्राम भी कम नहीं हुआ। लेकिन बेटा वो कौन था जिसने हमारे साथ ये बदतमीजी की? वो जो भी था, आई मीन जो भी है, बहुत अच्छा इंसान है। तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब शुरू होगी मॉम, उसके बिना। क्या मतलब? वक्त आने पे मैं सब कुछ बता दूंगी डैड। गुड नाइट मॉम, बाय। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? जानता है इसका अंजाम क्या हो सकता था? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे क्या माफ कर दूं? पता है कितने सालों के लिए तू अंदर हो जाता? चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते तेरे लिए। आगे से सुनो, जो भी काम करो 10 बार सोच के करो कि उससे दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। राजा, इसकी बातों का बुरा मत मानना है, ये उसका गुस्सा नहीं था, दरअसल ये प्यार करने लगा है तुझसे। नीलू, तुमने कुछ बदलाव देखा किरण में वहां से आने के बाद? तुम्हें भी ऐसा लगा? मुझे लगा सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है। कहीं वो इश्क का मामला तो नहीं? हाँ, लेकिन वो है कौन? हेलो कौन? पुलिस। ओ सर, मुझे कंप्लेन लिखवानी है सर। लिखवाइए। सर मेरा दिल चोरी हो गया है। चोर का हुलिया? शक्ल पर शराफत, बातों में नजाकत, दिखने में ईमानदार और फिर भी चोर। कमाल है मेम साहब, दिल तो हमारा भी चोरी हो गया है। कमाल है, दिल चोर का दिल चोरी। क्या करें मेम साहब, दरअसल वक्त ही बुरा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप अपने चोर का हुलिया बताएंगे जरा? आंखों में चमक, चेहरे पे नमक, अदाओं में शोखी, दिखने में कातिल। ओ माय गॉड, अब आप क्या करेंगे? आपने रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं? इंतजार कर रहा हूँ, पता लगते ही पकड़ लूंगा। सर आपको पता चलेगा तो आप मुझे जरूर बताएंगे ना? जरूर। ओ थैंक यू सर, गुड बाय सर। गुड बाय। हेलो इंस्पेक्टर साहब, सर मैं बोल रही हूँ। सर चोर का कुछ पता चला? यस, उसका नाम है प्यार, मोहब्बत, इश्क, और वो पकड़ा गया मैम साहब। क्या कहता है वो? प्यार, मोहब्बत, इश्क? वो कहता है साहब मैं चोरी नहीं करता, लोग खुद आकर यहाँ पर दिल फेंक कर चले जाते हैं और नाम मेरा बदनाम होता है। तुम मिलोगी उससे? हाँ, पर कहाँ? नेशनल पार्क, 9 बजे। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। क्या करें मेम साहब, उसका तो वक्त ही ऐसे होता है, मन आ गया तो टाइम फिक्स। ओके, मैं आती हूँ। थैंक यू सर, गुड बाय। गुड बाय। किरण, डैड, मॉम, हाय डैड, हाय मॉम। आई नो आई एम लेट, जरा सी देर हो गई, सॉरी। अब और ज्यादा देर मत करो। हम्म, अब तो काफी वक्त गुजर गया है, अब तो तुम उसे अच्छी तरह से पहचान गई होगी और तुम्हारी राय उसके बारे में बदल गई होगी। ओह, वो आपका चुना हुआ लड़का? हाँ मॉम, मुझे पसंद है। कौन सा? वो छोटा मोटा सा, गोल मटोल सा, लुढ़कता हुआ हाथी? डड्डू? हाँ। नहीं मॉम, वो जिसका कौन? डील डॉल। बात करने का तरीका, तमीज, वो खानदानी लड़का। माँ आपको तो बहुत पसंद है। कौन सा बेटी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा, डैडी मैं राजा से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ।
विक्रम। हाय क्या बात है यार, आज सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? अरे कल रात से बेचैन था तुझसे मिलने के लिए। बैठ बैठ। सोच रहा था कि कब सुबह हो और तुझसे आके मिलूं। तो आ गया होता या फोन कर दिया होता, मैं चला आता। वीके एक जरूरी काम था तुझसे। हाँ हाँ बोल। देख वीके, जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ अगर तुझे नागवारा लगे तो हमारी दोस्ती में फर्क नहीं आना चाहिए। विक्रम जब तक तू बात बताएगा नहीं यार तो मैं जानूंगा कैसे? और फिर हमारी दोस्ती इन छोटे छोटे डरों की बुनियाद पर तो नहीं टिकी हुई ना? वीके मेरी बेटी किरण को राजा से मोहब्बत हो गई है और वो उससे शादी करना चाहती है। जानता था तुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये भी जानता था कि हमारी औकात राजा के मुकाबले में। पर क्या करूं यार, बेटी ने ख्वाहिश जाहिर की और ये तो ठीक है कि किरण राजा से मोहब्बत करती है और शादी करना चाहती है, लेकिन तू क्या चाहता है विक्रम? तुझे राजा कैसा लगा? सच पूछ विकी, तो मैं राजा को उसी दिन अपना दामाद बना लेना चाहता था जिस दिन तूने मुझे उससे मिलवाया था। उसके चेहरे से उसका खानदान छलक रहा था, साफ दिख रहा था कि उसकी रगों में कोई ऊंचा खून ही दौड़ रहा है। ऐसा लगा तुझे? हाँ बिल्कुल, मैं अब तक चुप था सिर्फ उसके और अपने दर्जे को देखकर, लेकिन कल रात किरण ने ये कहकर मानो मेरे मन की बात ही छीन ली हो। तो ठीक है विक्रम, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। राजा की शादी किरण से ही होगी। ठहरो, ये रिश्ता बांधने से पहले एक दूसरे को जान तो लो, एक दूसरे की औकात हैसियत देखम। क्या मतलब विजय, ये सवाल क्यों पूछ रहा है तू? बहुत जरूरी है ये जानना कि तुझे राजा पसंद है या नहीं। तो मैंने इससे कब इनकार किया? तो फिर एक बार फिर से कहो इन सबके सामने। राजा मुझे पसंद है। क्यों? Well, क्योंकि वो एक खानदानी लड़का है, अमीर है। ये तुझसे किसने कहा? उसकी शक्ल से पता चलता है। चूक गए ना यहीं पर आकर नस्ल को पहचानने वाले व्यापारी। ये जो मेरे दोस्त हैं इनका दावा है कि इन्होंने पुश्तों से दौलत देखी है, और इंसान की जात तो ये यूं सूंघ कर बता देते हैं। ये राजा राजकुमार, ये मेरा कोई भांजा नहीं, ये कोई करोड़ों का वारिस नहीं, बल्कि अमीरी के हाथों चलाया गया गरीबी का वो मोरा है जिसने सड़क पर आंख खोली और मुफलिसी में गिरकर पड़ा हुआ, जिसके ना तो मां बाप का पता है और ना घर बार का ठिकाना। रोटी कभी मिली तो मिल गई, कभी मांग कर खाई और कभी भूखे ही सो। जिसने पैसे वाले लोग तो देखे हैं मगर पैसा कभी नहीं देखा। विजय, ये सच है मेरे दोस्त, उतना ही सच जितने चांद सूरज और धरती है। तूने मेरे साथ छल किया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है तूने मुझे। शायद यही एक तरीका था तुझे समझाने का विक्रम। अरे खून का रंग तो सबका एक ही होता है, उसकी कोई किस्म थोड़ी होती है। इंसान को इंसान से जो अलग करता है तो वो है पैसा, अमीर और गरीब बनाता है तो वो है पैसा, ताकतवर और कमजोर बनाता है तो पैसा। चार पैसे इंसान की नस्ल को ऊंचा कर देते हैं, जात बना देते हैं उसकी। और अगर ना बहुत हो चुकी बकवास विजय कुमार राठौर, भाई आज तूने अपनी असलियत दिखा दी, आज तूने उछाल कर बिखेर दी यहां पर, दिखा दी इन लोगों को अपनी नस्ल। चलो किरण, चलो किरण। अब क्या रह गया? मेरा एक रुपया।
done off. कहाँ जा रहा है? अपने घर, अपनी बस्ती। क्यों? आज रात मेरे 6 महीने खत्म हो गए सेठ, और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी तो 6 महीनों का ही था। मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तेरे साथ। पर मेरा था, मैं भाड़े का आदमी हूँ सेठ, मेरी अपनी कीमत है, प्राइस। मैं वक्त बेचता हूँ, टाइम। कीमत लगाओ, वक्त लो, 6 महीनों का 1,00,000 रुपया। राजा, मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ किया वो आपके दिए हुए कपड़े में ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। ये कपड़े जो मैं पहन कर आया था वही पहन के जा रहा हूँ। चाहो तो तलाशी ले लो। नहीं सेठ, चलते चलते एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगली बार जब तुम किसी अमीर के साथ 1 रुपए की शर्त लगाओ और तुम्हें इंसानों की जरूरत पड़े तो मुझे ही याद करना, क्योंकि हम जैसे गरीबों को आप जैसे अमीरों की जरूरत पड़ती ही है, और आप जैसे अमीरों को अपने तजुर्बों की नुमाइश और आजमाइश के लिए गरीबों से सस्ता जानवर और कहाँ मिलेगा सेठ। अच्छा सेठ, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज, नमस्ते, गुड बाय। किरण, खबरदार जो तुमने इस घर के बाहर कदम रखा, पाँव कटवा दूंगा तुम्हारे। तो उससे क्या होगा डैड? मैं चल नहीं पाऊंगी, पर मैं उसे देख तो पाऊंगी। क्या आप मेरी आंखें तो निकलवा देंगे? फिर क्या होगा? मैं उसे छू तो पाऊंगी? क्या आप मेरे हाथ में कटवा देंगे? कब तक लड़ते रहेंगे आप मेरे सोच और विचार से? राजा मेरे दिल और दिमाग में है डैड, आप मेरे शरीर के टुकड़े भी करते। जब तक सांस है, दिल और दिमाग है, और वहां से राजा का निकालना नामुमकिन है डैड। तुम ऊपर चलो। नहीं, आज किरण वापस नहीं जाएगी। आज इसने पहली बार जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया है। हाँ बेटी, फैसले अगर सही हो तो इंसान की जिंदगी बना देते हैं, और अगर गलत हो तो मिटा भी देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इंसान फैसला करना ही बंद कर दे। भाभी ठीक कहती हैं विक्रम। अरे भाई, ये प्यार है, कोई जबरदस्ती तो नहीं? डड्डू इसे पाकर भी खो देगा। ये उसकी बनेगी कैसे जबकि ये चाहती किसी और को है? जा बेटे, तू राजा को ढूंढ कर ला, मैं खुद अपने हाथों से तेरी शादी उसे करवा दूंगा। किरण, बात सुनती जाओ किरण। आज अगर तुमने इस दहलीज के बाहर कदम रखा तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़कर देखोगी तो यहां तुम्हें अपना कोई नहीं मिलेगा। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों? क्यों नहीं जा सकता मैं? क्योंकि मैं तेरे बिना रह नहीं सकूंगा। कभी मुझसे तो पूछ लिया करके मैं क्या चाहता हूं, तेरे साथ रहना या नहीं। अरे अरे, मुझे माफ कर दे यार। किस लिए? मिस्टर विजय कुमार राठौर, किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? अरे आपने तो इस शहर के लोगों की समझ धुमका दी, उनके दिमाग ठिकाने लगा दिए। कोई मजाक नहीं है, एक मामूली सी 1 रुपए की शर्त जीतने के लिए इतने सारे लोगों की जिंदगियां दांव पे लगा देनी। कमाल कर दिया आपने विजय कुमार राठौर, कमाल कर दिया। राजा, किरण, विक्रम सिंह, भाभी, सबके जज्बातों को सट्टे पर लगाकर ठीक उसी तरह खेला जिस तरह एक जीता हुआ जुआरी अपने पागलपन में सब कुछ दांव पे लगा देता है। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। हरी, मेरी बात सुन। हरी, मेरी बात सुन, बात सुनना। बहुत तकलीफ हुई है आज मुझे, बहुत तकलीफ हुई है आज इस भरिया को।
आज के बाद तू जो कहेगा ना, तू जो कहेगा ना वो मैं करूंगा। स्वार्थ की बात मत कर विजय। मुझे माफ कर दे यार। विजय, तुझे याद है हम जब बंबई आए थे तब तूने अपनी कमीज उतार कर एक कोड़ी को दे दी थी, याद है तुझे? मेरे मना करने पर भी, और फिर दंगे बदन न जाने कितने दिनों तक बारिश में तू घूमा था। मुझे बहुत दुख हुआ था रे, मैं बहुत रोया था, और आज भी मैं रो रहा हूँ। देख मैं रो रहा हूँ, देख जाता है क्यों, जाता है क्यों, मेरा दोस्त मर गया है आज। मेरा दोस्त मर गया है आज। अरे नहीं, ए हरी, ए हरी, मुझे छोड़कर नहीं जाना हरी। नहीं विजय कुमार, नहीं, तूने जो किया है उसके बाद लोग दुश्मनों से दोस्ती तो कर लेंगे, लेकिन दोस्तों को हमेशा शक की नजर से देखेंगे। तो क्या सारा कसूर मेरा ही था विकी, जो इतनी बड़ी सजा मुझे मिल रही है? हरिया घर छोड़कर चला गया, बच्चों की नजर में मैं गुनहगार बन गया, और तू मेरा दोस्त, मुझसे बात करना तो दूर, तू तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। शुरुआत तूने की है विजय। अरे जरा सी बात को लेकर, जरा सी बात को बड़ा भी तूने ही बनाया। मुझे नहीं मालूम था कि बात इतनी बढ़ जाएगी विकी, मुझे नहीं मालूम था। ए विकी, मेरी तरफ देख। अरे देख ना मेरी तरफ, भुगत रहा हूं ना मैं। भुगत तो हम सब भी रहे हैं विजय कुमार। तो क्या चाहता है तू तो? क्या मैं तुझसे माफी मांगू? तो ले, हाथ जोड़ के मैं तुझसे माफी मांगता हूं कि मुझे माफ कर दे मेरे भाई। तुझे क्या लगता है कि अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा, मुझसे नहीं बोलेगा, तो मैं भी चुप हो जाऊंगा? नहीं विकी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और ना मैं तुझे ऐसा करने दूंगा। सुन विकी, ये खेल हम दोनों ने ही शुरू किया था, हम दोनों ही खत्म करेंगे इसे। कम ऑन यार, इनफ। जाओगे मेम साहब, जो खुद रास्ता भटक गया हो उसके साथ चलकर तुम क्या मंजिल पाओगी? मेरी मंजिल तो तुम ही हो राजा। मैं हाथ जोड़ता हूँ मेम साहब तुम्हारे, अब बस करो, दोबारा बाजी मत लगाओ, ताकत नहीं है मुझ में दांव पर लगने की। राजा, पहली बार एहसास हुआ है कि जुआ और दिलों का खेल तो सिर्फ अमीरों की जागीर है, गरीब तो यूं ही अपना जमीर हार बैठा। क्या तुमने मुझे नहीं पाया? उस बच्चे की तरह चांद को छूने की कोशिश की थी मेम साहब, जो उसे आईने में देखकर ये समझता है कि चांद उसका हो गया। तो वो सब क्या था राजा? कुछ तुम खेली, कुछ मैं, तुम जीत गए मेम साहब, मैं हार गया। मेरी शादी। बंदे जी जल्दी करो, 10 मिनट में सारे मंत्र पढ़ के सातों फेरे करवा दो इनके, जल्दी करो। हाँ पंडित जी जल्दी करो, वो दुंदा जल रहा ना, तो मेरी छाती नहीं होती, मेरे हाथ पीले नहीं होंगे। चुपचाप बैठ जाओ। ओम शिवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः। पंडित जी बंद करो, ये मंत्र बहुत हो गया, जल्दी से फेरे लगवाओ, जल्दी करो। ओम कुल देवताय नमः, ओम ग्राम देवताय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम शांतिय नमः, ओम।
कन्यादान तो नहीं कर सके, आशीर्वाद तो दे दो, बंद हो ऐसे भी। अरे चल, प्रतापचंद, यो मास्टर। ए गधे के बच्चे जल्दी फेरे लगा। प्रतापचंद, रुक जा पंडित। जल्दी फेरे लगाओ। अरे फेरे तो लगेंगे हाथी के बच्चे, लेकिन तेरे बाप के तेरी मम्मी नंबर दो के साथ हमारे हाथ में। हाँ दादी। पको ऐसे। पकड़ लो इंस्पेक्टर साहब, इन सबको पकड़ लो, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, पकड़ लो इन सब बदमाशों को। आप ठीक तो हैं? There is nothing to worry now. Everything is perfectly under control. ये तो अच्छा हुआ मिस्टर राजा का ब्लड ग्रुप उनके ब्लड के साथ मिल गया है, वरना कमाल हो गया डॉक्टर साहब कि हम में से किसी का भी खून विक्रम के खून से नहीं मिला और डॉक्टर साहब पेशेंट को होश आ गया। Now you can go and see him. आओ। चलो। देखा ना विकी, आखिर में खून भी राजा का ही काम आया। बस भाई साहब बस, अब बहुत कहा बहुत सहा। सॉरी सॉरी भाभी, आज के बाद कभी नहीं। एक वादा और करना होगा आपको। कहिए। आज के बाद आप दोनों बिल्कुल शर्त नहीं लगाओगे। कभी नहीं, कभी नहीं। और एक वादा आपको करना होगा। कौन सा? कि आप किरण को मेरी बहू बनने की इजाजत दें। हाँ विकी, राजा को मैंने अपना लिया है, बेटे की कमी पूरी हो गई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ। हो गए ना पंडित जी, हो गए ना साथ फिरे? नहीं नहीं, अभी छह हुए हैं। नहीं नहीं, सात हो गए। छह हुए हैं? सात हो गए ना यार। अरे यार मैं कह रहा हूँ छह हुए हैं। अरे सात हो गए, क्या बात कर रहा है? छह हुए हैं। लगी एक एक की शादी।